हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज हम 8th चैप्टर लाइमस्टोन एंड चाक लैंडफॉर्म्स ऑफ जिसलियन, यानी कि इसमें कास्ट टोपोलॉजी मेनली डिस्कस करनी है हमें, यानी कि लाइमस्टोन के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है जिसलियन के चैप्टर में, इससे बेहतर आप एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़िएगा, तो उसमें लाइमस्टोन को बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है और लैंडफॉर्म्स भी उसमें ज्यादा इसने डिस्क्राइब किए हुए हैं और अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें काफी शॉर्ट में और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ठीक है। वैसे मैं लिंक दे दूंगा एनसीईआरटी वाले चैप्टर का, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कि लाइमस्टोन एंड जो चाक ये होता है, ये दो चीजें हैं, ये क्या होती है? तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक ओरिजिन होते हैं। ऑर्गेनिक ओरिजिन कहने का मतलब ये किसी लिविंग बॉडी से बने होते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो सकता है, चाहे वो कोई प्लांट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोरल्स एंड सेल्स, सी में होते हैं ना पॉलिप्स, जिन पॉलिप्स से क्या होता है, कोरल्स बनते हैं, जिनसे कोरल रीफ्स बनते हैं, दैट इज द कोरल्स एंड सेल्स इन सी। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं। अब लाइमस्टोन दो स्टेट में मिलता है, एक स्टेट जो इसका प्योर स्टेट होता है, जिसमें केवल आपको कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्साइट देखने को मिलेगा, तो इसमें चाक आता है। चाक क्या है, ये लाइमस्टोन का प्योर फॉर्म होता है चाक। एक होता है जब आप लाइमस्टोन में मैग्नीशियम मिला देते हैं, तब वो जो बनता है उसको कहते हैं डोलोमाइट, यानी कि दोनों फॉर्म में मिलता है, ये प्योर हो गया, ये इम्प्योर हो गया। इम्प्योर में इट इज कॉल्ड डोलोमाइट, जिसमें मैग्नीशियम मिक्स हो जाता है, लेकिन जब ये प्योर रहता है तो उसमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, जैसे कि चाक, ठीक है। चाक एक प्योर फॉर्म है इसका। इसके बाद अब लाइमस्टोन क्या होता है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये वीक एसिड बनाता है, फिर और जिस रेज और जो टोपोग्राफी बनती है, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं लाइमस्टोन के वजह से, उस टोपोग्राफी को कहते हैं हम लोग कास्ट टोपोग्राफी या फिर लाइमस्टोन टोपोग्राफी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली हम लैंडफॉर्म्स देखेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बने हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो लाइमस्टोन का एरिया होता है वहां पर आपको सरफेस ड्रेनेज देखने को नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो सरफेस ड्रेनेज होगा ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन क्या होता है, वाटर के साथ मिलके या फिर वाटर लाइम स्टोन के साथ मिलके ये अंडरग्राउंड चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस पर वाटर नहीं मिलता है, और सरफेस वाटर या सरफेस वैली जो होती है वाटर की, वो सूख जाती है, ठीक है। यहां से वाटर कहाँ चला जाता है, वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाएगा लाइमस्टोन वाटर के साथ मिक्स होकर, इसलिए यहाँ पर सरफेस पर आपको ड्रेनेज देखने को नहीं मिलता या फिर बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज, अब जहां कहीं भी इम्परवियस और पोरस रॉक होते हैं वहां पर ये वाटर एज स्प्रिंग निकलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि अगर ये सरफेस है, ठीक है, अगर ये सरफेस है, ऊपर से वाटर रेनफॉल हो या फिर सरफेस ड्रेनेज हो, अगर नीचे इस तरीके से रॉक है और यहां पर रॉक जो है इम्परवियस या फिर ये नॉन पोरस रॉक है, इम्परवियस एंड नॉन पोरस रॉक है, पर ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो पानी यहां पर आएगा तो पानी ये नीचे जा नहीं पाएगा कि क्योंकि ये इम्परवियस रॉक है, तब क्या होगा, ये वाटर यहां से आपको एज स्प्रिंग निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस रीजन में जहां कहीं भी आपको इम्परवियस रॉक मिलेंगे, अगर वो सरफेस के नजदीक होगा तो आपको सरफेस के पास स्प्रिंग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज, यानी कि वाटर री इमर्ज भी हो सकता है, री इमर्ज होगा एज स्प्रिंग। उसके बाद ये जो लाइमस्टोन एरिया होते हैं ये जॉइंटेड एरिया होते हैं, यानी कि जॉइंट से बने होते हैं, ये जॉइंटेड एरिया होते हैं, यानी कि ये इस तरीके से बने होते हैं, ये इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स होते हैं यहां पर,
ठीक, ये क्या है, ज्वाइंट्स है, ये लाइमस्टेरियम इस तरीके से बने होते हैं। अब क्या होता है कि जब इन ज्वाइंट्स में वाटर चला जाता है, चाहे वो सरफेस वाटर हो या फिर रेन वाटर हो, तो इन ज्वाइंट्स में ये जो ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट्स में जब रेन वाटर जाता है तो फिर अब लाइमस्टोन के साथ वो सॉल्यूशन होकर उसका जाएगा, तो फिर यहाँ पर इरोजन की प्रोसेस होगी। और इरोजन केमिकल केमिकल वेदरिंग का आपने नाम सुना है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के थ्रू जो होगा वो केमिकल वेदरिंग होगी, क्योंकि लाइम स्टोन क्या होगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। और जब इन ज्वाइंट से नीचे जाएगा तो वहां पर केमिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी। तो फिर ये जो फिगर है ये किस तरीके से हो जाएगा, ये फिगर फिर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको जरा इमेजिन कीजिए, ठीक है। यानी कि जो ये क्रैक्स थे, ये क्रैक इस तरीके से, ये भी क्रैक ही है। अब क्या होगा, सॉल्यूशन की वजह से इसका इरोजन हो जाएगा। तो जो क्रैक इतना बहुत पतला था और एक दूसरे से एक दूसरे के पास में था, अब ये काफी दूर दूर हो जाएंगे। दिस इज ये हुआ, ठीक है, ये ऐसे दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि इनका इरोजन हो जाएगा सॉल्यूशन की वजह से, केमिकल वेदरिंग जो हो रही है इसकी वजह से इनका इरोजन होगा। तो अब ये क्रैक्स क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तब जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा तब हम इसको कहते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, लाइमस्टोन पेवमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि जो क्रैक्स पहले छोटा छोटा था, इसमें रेन वाटर जाने की वजह से वो लाइमस्टोन के साथ मिक्स होगा, उसका सॉल्यूशन बनेगा, केमिकल वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद इरोजन होगा, और ये जो क्रैक्स जो यहाँ पर काफी नैरो दिख रहे थे, ये क्रैक्स यहाँ पर बड़े बड़े हो जाएंगे और ये पर्टिकुलरली एक ब्लॉक आइसोलेटेड ब्लॉक की तरह हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक्स आइसोलेटेड ब्लॉक्स की तरह हो जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को हम लाइमस्टोन पेवमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक्स को कहा जाता है क्लिंट्स, इन ब्लॉक्स को कहा जाता है क्लिंट्स। और ये जो इनके क्रैक्स होते हैं जो इनलार्ज हो जाते हैं, इन इनलार्ज क्रैक्स को कहा जाता है ग्रैक्स, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स आइसोलेटेड ब्लॉक होते हैं इनको क्लिंट्स कहा जाता है, और जो इनलार्ज ये इनके जॉइंट्स होते हैं इनको कहा जाता है ग्रैक्स, ठीक है। तो ये हो गया लाइमस्टोन पेवमेंट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें और कुछ छोटे छोटे लैंडफॉर्म है, फोर्थ एक मिलेगा आपको जिसको कहते हैं स्वैलो हॉल हॉलो, या फिर सिंक, या फिर जिसको सिंक होल भी कहा जाता है, ठीक है। ये छोटे से डिप्रेशन होते हैं इस टाइप के, थोड़ी किप टाइप के, इस तरीके से ये छोटे से डिप्रेशन होते हैं, इनमें वाटर जाता है, चाहे रेनफॉल का ही सरफेस वाटर हो, और इनके थ्रू ये वाटर अंडरग्राउंड में जाता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं स्वैलो हॉलो, या फिर शॉले सिंक, या फिर इनको सिंक होल कहा जाता है। अब ये कई सारे सिंक होल होंगे, ये कोलैप्स होंगे, इनके कोलैप्स होने की वजह से ये क्या होंगे कि एक दूसरे में मिल जाएंगे, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएंगे, कई सारे सिंक होल कोलैप्स होने के बाद एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम डोलाइट, ठीक है, इसको कहेंगे हम डोलाइन। बहुत सारे सिंक होल जब कोलैप्स होके एक बड़े लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं, ये बना ना एक बड़ा सा लैंडफॉर्म यहाँ पर बन जाएगा कई सारे सिंक होल के मिलने की वजह से, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, डोलाइन कहलाएगा। ठीक है, डोलाइन के बाद एक आता है पोल से वाला है, डोलाइन के बाद वाला आएगा, ठीक है, इसके बाद पोल से आएगा। ठीक,
तो जैसे ये डोलाइन क्या बना, कई सारे सिंक होल के वजह से, कोलैप्स होने की वजह से डोलाइन बना, उसी तरह ये अब डोलाइन हो गया, कई सारे डोलाइन के कोलैप्स होने की वजह से एक और बड़ा लैंडफॉर्म बनेगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अब इधर कई सारे डोलाइन हो गए, अब इधर कई सारे डोलाइन हो जाएंगे, तो इन डोलाइन के सिंक होने, अब ये डोलाइन और ये डोलाइन ये मिल जाएगा एक में, तो क्या बनेगा, वाला बनेगा। फिर कई सारे वाला कोलैप्स होके एक में मिल जाएंगे तो वो क्या बनेगा, पोजे बनेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये जो सिंक होल है कई सारे सिंक होल मिलके कोलैप्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, डोलाइन बनेगा। कई सारे डोलाइन एक साथ मिल जाएंगे तो फिर वाला बनेगा, और कई सारे वाला मिलके एक साथ पोजे का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये आप देखेंगे केव स्ट्रक्चर बनता है, ये एक केव टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इस केव में कई सारे आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे, जैसे स्टैलेक्टाइट होता है, स्टैलेगमाइट होता है, और पिलर्स होते हैं। जैसे ये रूफ है, यहां ऊपर से वाटर रहेगा, ठीक है, और ये अंडरग्राउंड का फ्लोर है। यहां पर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट, इसको हम कहेंगे स्टैलेक्टाइट। ठीक इसके नीचे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहेंगे स्टैलेगमाइट। ये क्यों बनता है, यहां से जो वाटर ड्रॉप होगा नीचे की ओर, अगर वो फ्रीज हो जाएगा, अगर वो जम जाएगा, तो ऐसे वो इकट्ठा होगा, जैसे आप कहीं जो आइसी एरियाज होते हैं जहां बर्फ होते हैं, वहां पर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। पानी अगर ऊपर से नीचे गिरता है, अगर वो फ्रीज हो जाए, तो उसी तरह ये पिलर, ये एक इस तरीके से लैंडफॉर्म जैसा वो बन जाएगा, और ठीक इसके नीचे जहां वो पानी गिर रहा था, अगर वो फ्रीज हो जाए तो वो इस तरीके का बन जाएगा, और ठीक इसके नीचे बनेगा ये, क्योंकि इसके ये अपने नीचे ही पानी यहाँ पर गिरेगा, तो फिर यहाँ फ्रीज होने की वजह से ठीक इसके नीचे ही बनेगा, तो ये स्टैलेगमाइट कहलाता है। और धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करेगा, तो बाद में ये क्या होंगे कि इस तरीके से ये मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में जब मिल जाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पिलर कहेंगे। ठीक है, यही कुछ दो चार लैंडफॉर्म्स हैं जो कास्ट रीजन में बनते हैं, कास्ट टोपोग्राफी में है। इसके बाद छोटे छोटे और टॉपिक हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी जो कास्ट रीजन में क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरीके से होती है ये देखते हैं हम। ह्यूमन एक्टिविटीज इन कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट रीजन, एक यहाँ पर क्या होता है कि सरफेस ड्रेनेज जो होता है, ये सरफेस ड्रेनेज ये कम होता है या फिर ना के बराबर होगा या फिर नहीं होगा। सरफेस ड्रेनेज कम होगा तो यहाँ पर आपको वेजिटेशन कम देखने को मिलेगा, जो वेजिटेशन कम होगा तो यहाँ पर लोग कम रहेंगे। ठीक है, लोग कम रहेंगे तो यहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, काफी कम देखने को मिलेगा। जब वेजिटेशन नहीं होगा तो फूड के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, जब फूड के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे तो मेनली यहाँ पर ग्रेजिंग टाइप के कल्टीवेशन देखने को मिलेंगे, जो खास करके पास्चर जिसको कह सकते हैं, लेकिन पास्चर यहाँ पर उतना एक्सटेंसिव नहीं होगा जैसे कि ग्रासलैंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजिंग ही होगा ये, और ये ऑप्शनल होता है, और ये भी बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम, नॉट एज ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका या फिर अर्जेंटीना वगैरह या फिर स्टेपी टाइप के जो होते हैं, वहां पर उस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कास्ट रीजन्स, जो कास्ट टोपोग्राफी होती है, इसकी वजह से भी ये एरिया कहाँ या इसमें क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन मिलेगा, तो लाइम स्टोन मिलने की वजह से जो यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर होगा ये भी क्या होगा, पीने के लायक नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर जो ड्रिंक वाटर है इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है, या फिर अब लोगों को यही पीना पड़ेगा, तो इसकी वजह से वहां पर कई सारे डिजीज जैसे या फिर कई ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रीजंस हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज हैं जो कैसे डिसाइड होती है कास्ट टोपोग्राफी की वजह से उस रीजन में, तो ये कुछ डिसीजन हो गए। इसके बाद देखते हैं कि
कुछ ऐसे रीजन है जहां पर मेनली आपको कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जहां पर लाइमस्टोन होता है वहां पर कुछ आपको कास्ट टोपोग्राफी टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। तो वैसे वर्ल्ड रीजन की बात करते हैं कि कहां कहां पर ऐसे वर्ल्ड रीजन है, यानी कि वर्ल्ड एरियाज है जहां पर इस तरह की टोप, तो वर्ल्ड जो वर्ल्ड रीजन है जहां पर आपको इस तरह की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, लाइमस्टोन टोपोग्राफी या फिर कास्ट टोपोग्राफी, इसमें सबसे ज्यादा आपको ये नाम आता है यूगोस्लाविया का। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरीके की लैंडफॉल आपको देखने को मिलेंगे और वो भी पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट यूगोस्लाविया। फिर काउसेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ फ्रांस, सी ए यू डबल एस ई एस, काउसेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ फ्रांस, और उसके बाद पेनिन्स इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में इस रीजन पेनिन्स रीजन में मेनली पर्टिकुलरली आपको यॉर्कशायर और डर्बीशायर में मिलेंगे, डी ई आर बी वाई एस एच आई आर ई, ठीक है, डर्बीशायर। फिर आपको केंटकी में ये मिलेंगे जो यूएसए में है, और यूकाटन पेनिनसुला, यूकाटन पेनिनसुला आपको मैक्सिको में है, ठीक है, यूकाटन पेनिनसुला मैक्सिमम है यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर कॉकपिट काउंटी ऑफ जमैका एंड लाइमस्टोन हिल्स ऑफ पर्लिस, ठीक है। तो ये मेनली जो रीजन्स है वर्ल्ड रीजन्स जहां पर इस तरीके की आपको टोपोग्राफी या फिर लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। दूसरी चीज थोड़ा चाक की बात कर लेते हैं, तो लाइमस्टोन चाक की बात कर लेते हैं जो कि प्योर स्टेट होता है। तो चाक में रीजन्स में, चाक वाले रीजन्स में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं लाइमस्टोन के कंपैरिजन में, हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एज लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स, यानी कि लाइमस्टोन वाले लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे चार्क वाले रीजन में। यहाँ पर आपको जिस तरीके से लाइमस्टोन रीजन्स में केव्स बनते हैं या फिर स्वैलो हिल्स बनते हैं, स्वैलो होल्स बनते हैं, जिस तरीके से स्वैलो होल्स बनते हैं लैंडफॉर्म्स में एंड केव्स बनते हैं, इस तरीके की टोपोग्राफी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी चाक वाले रीजन में। इस तरीके की टोपोग्राफी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आपको लाइमस्टोन वाले रीजन में देखने को मिलता था, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो नेचर होता है ना चाक का, या फिर उसकी वजह से जो स्टोन का नेचर हो जाता है वो क्या होता है, थोड़ा फ्रेबियल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज्यादा इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ आपको पास्टर्स मिल जाएंगे, पास्टर्स मिल जाएंगे एंड कुछ यहाँ पर एरिएबल लैंड भी मिलेंगे, यानी थोड़ी बहुत यहाँ पर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हो जाती है जो कि लैंड लाइमस्टोन वाले रीजन में नहीं होती है। वहां तो एरिएबल लैंड की भांति छोड़ दी है, अब जो पास्टर भी होते हैं उतने एक्सटेंसिव वहां पर नहीं होते, ग्रेजिंग बहुत थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है लेकिन उतना एक्सटेंसिव नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लैंडफॉर्म मिलता है जिसको कहते हैं कुम्स, ठीक। कुम्स क्या होता है, ये वही लैंडफॉर्म होता है जैसे कि जॉइंट से रेनफॉल या सरफेस वाटर जो लाइमस्टोन वाले रीजन में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वो घुल के अंडरग्राउंड में जाता था और जो वो टोपोग्राफी बनाता था, उसी तरह यहाँ पर जो होगा, ठीक है। चाक वाले रीजन में जब रेन वाटर या फिर जो ग्राउंड वाटर वो उसके साथ ये जब अंडरग्राउंड में जाएगा तब हम उस टोपोग्राफी को कहते हैं कुम्स। तो इसको कलेक्टिव नाम ही दिया गया है कुम्स, जो अंदर टोपोग्राफी बनेंगे इस वाले रीजन में, ठीक है, उनको एक साथ यहाँ पर कुम्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो मेनली यही तीन चार चीजें हैं चाक में, और ये प्योर प्योर स्टेट होता है, ये प्योर स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो चाक में थी, अब चाक भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, मैं एनसीईआरटी के चैप्टर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा या फिर मन हो तो आपका, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।